सुबह की शुरुआत हो चुकी है गाइस। वैसे मैंने नहीं चाय नहीं की रेसिपी मैंने आपको बहुत बार दिखाई हुई है, इसलिए आज रेसिपी नहीं दिख सो चुकी है। तब तक मैं लगा लेती हूँ बाहर का झाड़ू, क्योंकि मैंने आंगन का है और इसमें मैंने ऐसे ना टेप भी लगा दिया है। तो गाइस अब आपको भटकी झुबके का स्वाद कैसा हो रहा है। अनुभव बोलती है नन्नन, तो अनुभव को नन्नन चाहिए, नन्नन चाहिए ना। हम लोग आ रहे हैं छत में घूमने के लिए, लेकिन आज मौसम इतना ज्यादा। सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं हूँ अंजलि कार्की और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सांस फूलने से, और वजह है कि आज हमने शुरुआत की है दोनों ने सुबह सुबह को घूमने जाने की। वैसे शुरुआत तो कल से की थी, लेकिन कल निद्रा के कारण हम घूम नहीं पाए थे और आज घूमने लगे हैं। और कल जिस गाड़ी की मैंने आपको फ़ोटो दिखाए थे ना, यही गाड़ी है वो जिसमें दूल्हा गया था। तो नीचे रोड बाय रोड घूमते हुए आए और अभी हम आ चुके हैं जेआईसी फील्ड में, और एक बहुत बड़ी गाय है वहाँ, और लेके आना है। हाँ गाइस, हम दे रहे हैं गाड़ी से ये फूल। सुबह की शुरुआत हो चुकी है गाइस, और सुबह सुबह आवाज भी कम निकलती है गाइज। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, देखो बहुत कम निकल रही है आवाज। नहीं बोला जा रहा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। और बहुत डर लग रहा है गाइज शीतल को, मुझे ये लग रहा है, आपको लग रहा है, मुझे किस बात का लग रहा है। मैं तो 3 बजे आने को तैयार थी, आपने कहा 5 बजे जाएंगे, 6 बजे डर के मारे। झूठ की भी एक सीमा होती है। तो गाइस घूम के हम लोग आ चुके हैं कमरे में, और अब गूंथ रही हूँ आटा, क्योंकि इनके लिए बनाने हैं मुझे पराठे। और अभी ना नहाए नहीं है, बस हाथ धो धो रखा है, तो पहले इनके लिए पराठा वराठा बना देते हैं। और मुझे रोज़ सुबह पानी पीने की आदत है, लेकिन गाइस गर्म पानी में पीती हूँ और इलेक्ट्रिक कैटल में गर्म करती हूँ। लेकिन गाइस आज देखो मुझे एक नुकसान हो चुका है और ये जल चुका है, और ये जला इसलिए कल रात मैंने रोटियां बनाई तो मैं हमेशा ये तवा इसके नीचे रखती हूँ, तो गलती से तवा इसके ऊपर से रख दिया और ये जल गया, और अब इतना बुरा फील हो रहा है ना। सो गाइस दो पराठे बन चुके हैं और मैगी बनी है, और पुच्चू को इसको दे देते हैं, ये लो। अगर और पराठे चाहिएंगे तो आप बेझिझक कह सकते हैं। वैसे मैंने नहीं चाय नहीं बनाई अभी, क्या हो गया ये इतना दौड़ते हुए क्यों? और हमारा अनुभव भी उड़ चुके, क्या हो गया बब्बू? अच्छा हाँ मैगी यार, अरे इसने मैगी देखी ना। चलो मैं प्लेट ला रही हूँ आपके लिए। हाँ 7:30 बज चुकी है और पूजा वगैरह मैंने कर ली है, अब खिलाना है अनुभव को खाना वगैरह, तो अनुभव को फटाफट खाना वगैरह खिलाते हैं और उसके बाद हम ब्लॉग को धीरे धीरे कंटिन्यू भी करते रहते हैं। अनुभव को ना मेरी गिरी हुई बिंदी मिली है, और वो बिंदी को क्या बोल रही है आप भी सुनिए। क्या है ये? क्या क्या है ये क्या है? क्या है दिखाओ तो मुझे, दिखाओ तो एक बार, क्या है, क्या है ये क्या है? मिनी क्या है? मिनी। सो गाइस दिन के 11 बज चुके हैं और मैंने 10 बजे रख दिया था भट्टी, जिसको हम डुबके बोलते हैं, डुबके रख दिए थे भटके, और इसमें मैंने ना मडवे के आटे का आलन भी डाल दिया है। और गाइस मैंने 10 बजे इसलिए बनाया ना क्योंकि अनुभा सो गई थी, और 11 बजे तक मैंने इसको पकने दिया, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा पकना चाहिए होता है, और मैंने गैस की फ्लेम ना बहुत ज़्यादा मतलब 0 करी हुई थी, और इससे मैंने छौंका नहीं मारा है। अब इसमें फटाफट मैं छौंका मार लेती हूँ, अभी हो चुका है तो इसको इसमें डाल देते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपको बहुत बार दिखाई हुई है, इसलिए आज रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बार बार रेसिपी देख के आप लोग हो जाएंगे बोर। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और उनको छत में भी सुखा दिया है, लेकिन मुझे करनी थी अनुभा की मालिश, अनुभा तो सो चुकी है। तब तक मैं लगा लेती हूँ बाहर का झाड़ू, क्योंकि मैंने आंगन का झाड़ू आज अभी तक नहीं लगा रखा है, तो फटाफट झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। सो गाइस झाड़ू वाड़ू लगाने का काम तो मेरा हो चुका है, लेकिन मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, इसको करना है रिपेयर, तो फटाफट से इसको रिपेयर कर लेती हूँ। इस तार में जो बचा हुआ डैमेज पार्ट था ना, ये आप देख सकते हैं, इस डैमेज पार्ट को मैंने निकाल दिया है, बाकी सारे वायर अलग अलग कर दिए हैं, और इनमें से प्लास्टिक कोटिंग भी हटा दी है,
अब जो तार जिसके साथ है उसको ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट। तो इन सबको कर लेते हैं ज्वाइन। सारे पार्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन अभी ना ये एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वरना ये विस्फोट होगा। तो इसको टेप से चिपका के अलग अलग कर लेती हैं, और उसके बाद बाहर से पूरा कवर कर लेती हूँ ताकि करंट ना लगे। तो गाइस इसको रिपेयर करने का काम तो ख़त्म हो चुका है, और इसमें मैंने ऐसे ना टेप भी लगा दिया है। ज्वाइन तो कर लिया है गाइस, तो एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब इसमें करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पानी रख के ट्राई करते हैं। ये हमारा प्लग इंसर्ट करते हैं, बटन ऑन करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर, इसमें रखते हैं थोड़ा सा पानी, वैसे इसमें पानी है ये है, तो इसको इस पर रखते हैं और लाइट जला के देखते हैं। तो लाइट जलने लगी, इसका मतलब लाइट पास हो रही है, तो पानी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। और गाइस मेरा सही हो गया, मैं पानी बहुत पीती हूँ ना, और हमेशा गुनगुना पानी पीती हूँ। आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरे लिए ठीक हो गया कि मुझे मैं पानी हमेशा गुनगुना पीती हूँ, और आज सुबह से इसके चक्कर में मैंने ठंडा पानी पिया, गैस में करना मेरे को गुबारा लगता है ना इसलिए। तो अब ये हो चुका है, आवाज़ भी आ रही है, पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें से पी लेती हूँ। देखो इस पानी गर्म हो गया है, धुआँ आ रहा है पानी से। चलो फाइनली मेरा ये काम तो ख़त्म हो गया। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया है मेरे हस्बैंड ने मुझे, पुचू ने, इस टी शर्ट को दबाना है। गाइस ये इकलौती ऐसी टी शर्ट है जो उनके लिए ढीली हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा ढीली, वरना उनके सारे टी शर्ट में तो पेट बिल्कुल ऐसा है। ये वाली टी शर्ट ढीली हो रही, तो बोल रहे दो तीन दिन से मुझे लगातार बोल रहे, मैं डेली भूल जा रही हूँ, लेकिन आज इसको यहाँ पर फटाफट कर लेती हूँ इसकी स्टिचिंग। दिन का खाना हमारा लग चुका है, और भटके डुक्के के साथ चावल, और है हमारी चटनी भांकी, और है खीरा। तो गाइस लेके चलते हैं महाराज के पास खाना। ओए उसको हटाओ, ये है समझ, एक समझ ला रही हूँ ना, और ये रहे हमारे खीरे। तो गाइस अब आपको भटके डुक्के का स्वाद कैसा हो रहा है ये आपको बताएंगी। ये कैसा हो रहा, मस्त सच्ची। ओके और ये हमारी अनुभवी खीरा खाने लगी, पापा को खिला रही। तो गाइस हम भी इसको एंजॉय करते हैं, मतलब खाते हैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं, और मेरा ट्यूशन पढ़ाना वगैरह ना ख़त्म हो चुका है, पुच्चू भी अभी बाजार गए हुए हैं क्योंकि उनको है बाजार में कुछ काम, और इसका चलते रहता है ड्रामा। गाइस देखो क्या हो गया, बाहर अभी नहीं। गाइस अनुभा को हो रही है बाहर जाने की, तो इसको अनुभा को आना था बाहर, और अनुभा ना खुद ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रही गेट की तरफ। कहाँ जाना है, कहाँ, छत में बंदर आ रखे हैं, छत में नहीं वहाँ बंदर आए हैं, बंदर आए बोल रही हूँ, वहाँ उधर जाते हैं। हाँ चलो कहाँ जाना है, चलो। और इसको बस यही है कि मुझे छत में जाना है, चलो बैठ जाओ फिर यहाँ पे बैठ जाओ। अनुभा के साथ इतना ज़्यादा तो घूम नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ सीढ़ियों में बैठ चुकी हूँ, और अनुभा को यहाँ पर घूमने के लिए बोला है। अनुभा को जहाँ जाना है वो जा सकती है, बस गिरना मत ठीक है, जहाँ जाना है आप जा सकते हो, जाओ जहाँ भी आपका मन कर रहा है आप जा सकते हो। बैठने को तो मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन अनुभा ना मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रही, लटक लटक के या फिर खींच खींच के मुझे। कहाँ जाना है, कहाँ, और अनुभा को ना फ्लावर चाहिए, फ्लावर को अनुभा बोलती है नन्नन, तो अनुभा को नन्नन चाहिए, नन्नन चाहिए ना, चलो लेके आते नन्नन, चलो ये नन्नन, नन्नन चाहिए। नहीं आमा मारेगी आप तोड़ दोगे तो उसको, आमा मारेगी आपको, फिर आमा बोलेगी नन्नन क्यों लिया। इधर भी है नन्नन, आ जाओ इधर भी दिखाएंगे, वहां भी एक खूब सारे नन्नन है, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो खूब सारे नन्नन, जाओ ले लो, जाओ ले लो, कोई एक नन्नन ले लो।
ले लो ले लो, मैं कह रही हूँ ले लो, चलो ले लो, कोई एक ले लो, कोई भी एक आप ले लो। सो आजकल ना गाइस इतने बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं गुलाब के, और ये आमा लोगों ने बिल्कुल गेट पे लगा रखा है, बड़े सुंदर खिले। और ये देखो मेरी बेटी को, बाहर बाहर मत फेंकना, भी माँ दूसरा नहीं देगी आपको, माँ दूसरा नहीं देगी आपको, फिर बता रही हूँ मैं, दूसरा नहीं दूंगी, फिर आप दूंगी, रुकना। अनुभा ना गाइज इधर नहीं आ रही और मैं इधर से छुप चुकी हूँ। धीरे, थोड़ा धीरे चलो, गिरना मत, गिरना मत, हाँ डर लग रही है आपके चलने में, और आराम से। गाइस बच्चू आए बाजार से 6 बजे और 6:10 में अभी हम लोग आ रहे हैं छत में घूमने के लिए, लेकिन आज मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो रहा ना, और ठंड भी लगने लगी है, और इन दोनों का हल्ला देखो गाइस, इतनी ठंडी हवा चल रही ना, क्या कहूँ आपसे। और गाइस वहाँ है सादिया, आज ना इस वाले घर में है शादी, और इतने गाने चले हुए ना, इतना मन करा डांस करने का, बट यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ यहाँ पर अगर चाहो तो। लेकिन हम लोग ना छत में घूमने के लिए आए, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा ना, पहाड़ों में ऐसे ही होता है, एक दिन बारिश होती ना दूसरे दिन इतना ज़्यादा ठंडा होने लगता है, थोड़ी देर बारिश हुई और इतना ठंडा हो रहा है अभी छत में ना, तो घूमा नहीं जा रहा है, बोलने में भी जुबान कांप रही है गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मुझे लग रहा है कि हमें नीचे ही जाना पड़ता है, तो आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सुनो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।